नमस्कार बिगिनर्स किचन लगता स्पाइसेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इंडिया का टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है और मैं कोलकाता से हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। काफ़ी ज़्यादा तापमान है यहाँ का, तो इतनी ज़्यादा गर्मी में मन करता है कुछ ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग खाने का। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रिफ्रेशिंग 3 ईजी एंड क्विक मोजीतो की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। सबसे पहले मैंने है पुदीने के पत्ते, जो मेन इंग्रेडिएंट है, बर्फ लिया है, नींबू का रस लिया है, थोड़ा सा काला नमक, चीनी, पाउडर शुगर चुकी है, और नींबू कटा हुआ वाटरमेलन और कुछ अनारदाना लिया जिनका हम मोजीतो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक गिलास रख ले रही हूँ, उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले वाटरमेलन के जो हमने छोटे छोटे ट्यूब्स काटे हुए हैं उनको। मैंने इनका सारा बीज निकाल दिया है ताकि जब हम इसे खाएं तो बीज मुँह में ना आए, काफ़ी गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी ये ट्यूब्स, लगभग 3 चम्मच मैं ले लूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए नींबू के टुकड़े। नींबू के टुकड़े हम डालेंगे इसमें करीब 5 से 6 इसमें डालेंगे, और फिर हम डालेंगे पुदीना के पत्ते। देखिए मैंने फ्रेश पुदीना के पत्ते ले लिए हैं और इन्हें मैं करीब 10 से 12 पत्ते इसमें डाल दूंगी। और फिर मैं ये नमक डालूंगी, नमक मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा, लगभग 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, क्योंकि वाटरमेलन ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें मिठास रहता है, तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच लगभग चीनी डालूंगी। और फिर इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, ये डालना भी ज़रूरी है। आप कहेंगे कि हमने नींबू के टुकड़े डाले हैं, फिर नींबू का रस ज़रूरी है बाबा। अब इनको हम अच्छे से मडल कर लेंगे, अच्छे से समर के, क्योंकि कांच के ग्लास में अक्सर हम इसे बनाते हैं, कई बार कांच का ग्लास टूट भी जाता है, तो बहुत ही सावधानी से हमें इसे इस तरह से पेस्ट जैसे करते हैं। आपके पास अगर ये ना हो तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इनको मडल करना है, इतना ही है। तो बहुत ही सावधानी से, अब कई लोग पूछते हैं कि जब नींबू का रस हम डाल रहे हैं तो फिर नींबू कटे हुए क्यों डाल रहे हैं। नींबू कटा हुआ जो उसमें जो एसेंस होता है नींबू का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, तो इसलिए हम इसे डालते हैं, क्योंकि रिफ्रेशिंग है तो नींबू का रस तो डालना ही पड़ेगा भाई। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा बर्फ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, देखिए मेरे बर्फ की गल चुके हैं। अब उसके बाद हम डालेंगे सोडा, आप किसी भी ब्रांड का सोडा ले सकते हैं या फिर आप कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। तो सोडा को हमेशा ग्लास के बहुत सामने से डालें, ऊपर से ना डालें, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा झाग बन जाता है। तो मैंने सोडा डाल दिया है, अब कुछ भी आप लंबा सा चम्मच ले सकते हैं, मैं स्ट्रो की सहायता से इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स कर लेने के बाद इनके जो टुकड़े हैं ना, वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा वाटरमेलन मोजीतो जो है वो तैयार हो चुका है, उसकी गार्निश करेंगे हम। ऊपर से थोड़ा सा हम वाटरमेलन के जो टुकड़े हैं उसे हम डाल देंगे, और फिर हम साइड में, जैसे 5-स्टार होटल में हमने देखा होगा जैसे सर्व करते हो हमें, उस तरह से एक थोड़ा सा हम पुदीना का पत्ता बस एक लेंगे, उसे हम सजाएंगे साइड में। और एक नींबू मैंने ऐसे स्लाइस काटा हुआ है, उसको बीच में काट दिया है ताकि वो ग्लास में अटक जाए, तो इस तरह से हम इसे सजाएंगे। देखिए इसका कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है 5-स्टार में हमने इसे सर्व, मतलब हमें किसी ने सर्व किया है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, आप इसे ट्राई करें ज़रूर। तो एक तो बन गया, हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम बना रहे हैं पोमोग्रेनेट का, अनार के दाने हमने निकाल लिए हैं, अब इसमें भी हम 3-4 चम्मच अनार के दाने डालेंगे। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पे हमें ऐसा ही मतलब फील होता है कि चलो कुछ फ्रेश फ्रेश खाएँ। प्रोसीजर वही सेम है, फिर नींबू के टुकड़े हम डालेंगे, 5 से 6 नींबू टुकड़े हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, करीब 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, और चीनी डालेंगे हम 1.5 चम्मच, क्योंकि अनारदाना भी हमारा मीठा ही होता है भाई। अब फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस हम डालेंगे। अब इन्हें फिर से हम अच्छे से मडल कर लेंगे, और हाँ पुदीने के पत्ते भी हम डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश पुदीने के पत्ते हम 10 से 12 इसमें डालना है, जिससे इसका मिंट का फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आए। इन्हें हम डाल देंगे और अच्छे से मडल कर लेंगे। ये
ये जो रेसिपीज़ हैं काफ़ी जल्दी आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी बन जाती हैं। और आप गेस्ट को, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी या फिर थोड़ा सा शरबत आप उसको उनको सर्व करते हैं, तो आप उसके प्लेस पे इस मोजीतो या फिर मॉकटेल को भी आप सर्व कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मडल कर लें और फिर अच्छे से मडल करने के बाद अब इसमें डालेंगे बर्फ। बर्फ मेरे लगभग गल चुके हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, मैंने बोला ही आपको, और मेरे बर्फ नहीं बचे हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोडा। बहुत ही सावधानी से सोडा को डालें क्योंकि इसमें हमने काला नमक का इस्तेमाल किया है तो उसके रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा झाग बन जाता है। तो अभी मैंने फुल नहीं किया है ग्लास को और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे जो हमारे कुकर थे वो ऊपर फ्लोट करने लगे हैं। अभी इन्हें भी हम अच्छे से सजा लेंगे। एक नींबू का टुकड़ा यहाँ पे साइड पे लगा देंगे और एक पुदीना का पत्ता सामने से सजा देंगे। कुछ अनार के दाने भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस देख के बस लगता है हाँ अभी इसे पीना है। तैयार है हमारा पोमेग्रेनेट मोजीतो, बिल्कुल ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। नेक्स्ट हम बनाते हैं वर्जिन मोजीतो। तो उसके लिए हमें लगेंगे हमारे नींबू के टुकड़े, काफ़ी ज़्यादा हमें लगेंगे, करीब 9 से 10 हम टुकड़े ले लेंगे। और पुदीना के पत्ते हम ले लेंगे, पुदीना के पत्ते इसमें थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, करीब 15 से 20 हम पुदीना के पत्ते इसमें डाल देंगे। ये वर्जिन मोजीतो है इसलिए बस इनमें मेन इंग्रेडिएंट्स ही जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, काला नमक हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच और फिर हम डालेंगे चीनी। चीनी हम यहाँ पर पूरा डाल दे रहे हैं, मतलब 2 चम्मच हम डाल दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मिठास तो है नहीं, तो यही डाल दिया हमने। और फिर हमने डाला है नींबू का रस 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मडल कर लेंगे। इसमें बस नींबू और पुदीना है तो इनको अच्छे से मडल करना ज़रूरी है क्योंकि इससे अच्छे से जब तक रस नहीं निकलेगा तब तक आपका वर्जिन मोजीतो टेस्टी नहीं बनेगा। बस इसे मैंने मडल कर लिया है, अब हम इसमें सोडा डालेंगे क्योंकि मेरे बर्फ सारे गल चुके हैं तो मैं अब क्या डालूँ, मैं इसको ड्रिंक करते वक्त डाल दूँगी। तो अभी मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, लेकिन बर्फ ज़रूर डालें क्योंकि मोजीतो हमेशा, मॉकटेल हमेशा ठंडा ही होता है। अब मैंने ठंडे सोडा का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक स्ट्रो की सहायता से मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे भी हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए बस इसमें पुदीना के पत्ता हम इसमें लगाएंगे और एक नींबू के स्लाइस से इसे सर्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो लीजिए हमारा तैयार है वर्जिन मोजीतो। देखा ना आपने कितने इजीली बहुत ही कम वक्त में हमें 3 तरह के मोजीतो हमने बना लिए हैं, वाटरमेलन मोजीतो, वर्जिन मोजीतो और पोमेग्रेनेट मोजीतो। इन रेसिपीज़ को इस समय ज़रूर ट्राई करें और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको यह कैसा लगा। आज के लिए नमस्कार।